आपने जो हर्सुल का काम रुका हुआ था और आज जो शुरू हुआ है, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये कॉन्ट्रेक्टर है आर के चौहान, जिसको एक काम मिला है हर्सुल टी पॉइंट से लेके सिल्लोड अजंता लेनी तक। ये आर के चौहान नाम का कॉन्ट्रेक्टर है, इसको एक काम मिला है। इन्होंने यहाँ पर हर्सुल टी पॉइंट से लेके सौंगी तक बहुत फास्ट काम चालू किया। हम भी काम के सहमति में हैं कि काम जल्द से जल्द होना चाहिए रोड का, क्योंकि आने वाले जाने वाले को बहुत तकलीफ है रोड की। लेकिन जब इन्होंने काम चालू किया तो हमने जब ये जब काम की अपने पानी की, हमको तकरार आई इस इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं, तो हमने जब इसके पानी की तो इन्होंने जो नीचे जो खोदने का काम होता है, जैसा एस्टिमेंट होता है, इसमें इनको 2 फीट खोदना है, 1 फीट खोदना है, 1.5 फीट खोदना है, ऐसा काम होता है। खोद के खोदने के बाद इसमें मुरम डालना चाहिए मजबूतीकरण के लिए, तो इन्होंने मिट्टी डाली थी। तो हमने राष्ट्रीय महामार्ग के अंडर में काम चालू है, हमने इनको तकरार दी थी 17 तारीख को, कल के 17 तारीख को हमने इनको तकरार दी थी मैडम को। मैडम ने रोड का काम का पानी की और ये काम बंद किया 8 दिन से, 8 दिन से काम बंद था। तो हमने निवेदन में ऐसी मांग की थी कि जब तक रोड का काम की पानी नहीं होगी और जो मिट्टी डाली गई कॉन्ट्रेक्टर के मार्फत में, तो ये जब तक मिट्टी नहीं उठाएंगे ये करोड़ का काम हम चालू नहीं करने देंगे। तो मैडम ने जो कार्यकारी अभियंता मैडम है, इन्होंने आदेश दिया कॉन्ट्रेक्टर को, इसकी मिट्टी के चेकअप हुआ और ये चेकअप में मिट्टी निकली है। तो आज इन्होंने कॉन्ट्रेक्टर को आदेश दिया, तो आपके सामने आप खुद देख रहे हैं कि मिट्टी निकालने का काम GCP के मार्फत, जो रोड में मिट्टी डाली थी, ऐसा इस इलाके में पहली बार हुआ है कि तकरार होने के बाद में इसकी तुरंत एक्शन ली गई, क्योंकि हमने चेतावनी दी थी जब तक मिट्टी नहीं उठाएंगे हम काम चालू नहीं करने काम थे। कहां से कहां तक ये रोड? देखिए, अभी ये टी पॉइंट से लेके तो अजंता तक ही काम चालू है, पहले बहुत काम हुआ है पीछे, इसमें हमको इधर की मालूमत नहीं है। लेकिन जो हम अभी स्पॉट पे खड़े हैं फुले नगर पानी की टाकी के सामने, तो मैडम ने इनको आदेश दिया फौरन जो मिट्टी डाली है ये मिट्टी उठाइए। और हम भी सहमत है इस चीज़ से, आज जो हो रहा है हम भी चाहते हैं कि रोड का अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। पटेल साहब, ये आपने जो बताया अभी कि यहाँ मिट्टी डाली गई है, मुरम नहीं डाला गया है, तो हो सकता है कि आगे की सड़कों पर भी ऐसे ही काम किया गया, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस इलाके में जो परिसर में जो काम हो रहा है, जैसा भाई फुलमरी परिसर है, सिल्लोड परिसर है, यहाँ पे जो भाजपा के जो आमदार है हरिबो बागड़े, ये आमदार है, इनका काम है कि भाई जहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आगे भी मिट्टी यहाँ पर मौजूद है, मिट्टी डाली गई है, तो हो सकता है आगे भी डाली गई होंगी। इस इलाके में जो परिसर में जो काम हो रहा है, जैसा भाई फुलमरी परिसर है, सिल्लोड परिसर है, यहाँ पे जो भाजपा के जो आमदार है हरिबो बागड़े, ये आमदार है, इनका काम है कि भाई जहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आगे भी मिट्टी यहाँ पर मौजूद है, मिट्टी डाली गई है, तो हो सकता है आगे भी डाली गई होंगी। तो रोड जो फट रहा है पुरमरी के पास, आपने खुद देखा है, रोड फटने की वजह यह है कि मिट्टी डालने के वजह से रोड फट रहा है आगे। तो ये काम जैसे आमदार का होता है, इन्होंने भी इसमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए, मेरा ये बोलना है। आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन से काम रुके हुए हैं जिस पर काम नहीं हो और आप काम करवाना चाहेंगे, उस बारे में बताइए। नहीं, अभी तो देखो हाईवे रोड का काम चालू है और आपको पता है कि भाई महानगर पालिका पे महापौर नहीं है, कमिटी नहीं है नगर सेवक की, 1.5 साल हो चुका है। तो इधर इलाके में बहुत काम ऐसे बाकी है, पर ये आगे का मसला है। लेकिन आज जो मसला हम जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये हाईवे रोड का काम चालू है। हमारा यही मकसद है पूरे गांव का, इस इलाके के कार्यकर्ताओं का, समाज सेवक का, मेरी वाइफ माजी नगर सेविका है, मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, हमारा मकसद है कि रोड का काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए और हम ये हमारे एरिया में करवा के लिए। पटेल साहब, आप माजी नगर सेवक रह चुके और अभी जो शहर में वावेला मचे हुआ है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो आप नगर सेवक के ऐसे से बताइए कि सचमुच में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है क्या शहर? देखिए, महापालिका के जो आयुक्त साहब है पांडे साहब, ये शहर में कुछ जगह अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हों काम करना चाहते, पर मैं नहीं समझता कि अकेला आदमी पूरे शहर को थोड़ी हैंडल कर सकता है। तो जल्द से जल्द इन्होंने निवडणूक आयोग को विनंती करना चाहिए कि भी औरंगाबाद शहर के इलेक्शन ले जाए और सभी नगर सेवक मिलकर, महापौर मिलकर, आमदार मिलकर स्मार्ट सिटी अच्छी बनने में इनकी मदद कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आगे अच्छा काम स्मार्ट सिटी का हो सकता है। आपने जो लेटर दिए ये डिपार्ट को और डिपार्ट ने तत्काल एक्शन लिए, एक्शन लेने के बाद में आप इस चीज़ से समाधानी है? देखिए, हमने जो निवेदन में जो लिखा था कार्यकारी अभियंता मैडम को कि आपने अगर सच्चाई पे एक्शन नहीं लिया तो हम
राष्ट्रीय महामार्ग के पदमपुरा जो ऑफिस है, हम आमरण उपोषण लगाएंगे और मैडम ने सही निर्णय लिया, इससे मैं समाधान हूँ। और प्रेस जितने प्रेस वालों ने जो हमारी न्यूज़ लगाई, हमने यहाँ बुलाया, हमारे एक फ़ोन पे आए। और भाई आपकी ताकत, जो मीडिया की ताकत होती है, ये बहुत बड़ी ताकत, जनता की ताकत होती है, और सच्चाई को आपने बताया तो इसीलिए पूरा अधिकारी वर्ग हिल गया इसके वजह से, और इन्होंने खुद पानी की। इसलिए मैं मीडिया को भी, सभी को, मीडिया के जितने भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको मेरे गांव के ओर से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका नाम बोल लीजिए और आपकी कांग्रेस पार्टी में कौन सी पोस्ट है वो बताएं। मैं, मेरा नाम यूनुस पटेल है, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी वाइफ जो है कांग्रेस की एक नगर सेविका रह चुकी है।